अब गणित पर आते हैं बाबा कि इसमें दो तीन सवाल बनते हैं। पहला तो यह कि आपने शिक्षा के मानवीकरण की बहुत गहरी बातें की हैं। गणित एक विषय है तो गणित विषय का मानवीकरण क्या संभव है और कैसे होगा, एक। दूसरी बात कि गणित जो है जिसको हम लोग संख्याओं का खेल जोड़ घटाना मानते हैं, पढ़ते भी हैं परंपरा से, उसके ऊपर आपने बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण दिया है, ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना, किताबों में पढ़ा, तो उसको थोड़ा स्पष्ट करके कि गणित के बाबत आपका दृष्टिकोण क्या, आपने विचारधारा दी है, और गणित का मानवीकरण करके कैसा आप उसको पढ़ाएंगे लोगों को। गणित का शिक्षा का मानवीकरण की बात की गई है और गणित का मानवीकरण के कोई बात जिक्र नहीं किया है। पहले एक तो बात होगा जब शिक्षा का मानवीकरण होगा तो क्या है, मानवीकरण का मतलब है समझदार बनाना। तो उसमें से ये बात आता है जो भाषा आता है वो कारण गुण गणितात्मक भाषा है, ये बात आया। इसी इन तीनों का परस्पर पूरकता विधि से पहचानने की आवश्यकता। तो गणदा मर गणित, अभी मानव व्यवहार दर्शन में लिखा गया है, गणना को अपन गणित लिखा है, परिभाषा किया है। गणना के बारे में क्या कहा है भाई, जोड़ना घटाना इतने ही बात किया है, शून्य पूर्व शून्य पर इतने ही लिखा है। पहले शून्य लिख करके गणना करना और बाद में गणित शून्य को लिख करके गणना करना, क्या गणना, जोड़ना घटाना। अभी जितने भी करेगा, जो आदमी जितने भी करेगा ना, इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकता। गणित का मतलब इतने ही संभावना है, इससे लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है। कोई भी कैलकुलस पढ़ लो, जोड़ना ही है, घटना घटाना ही है। नाम आप 2000 रख ले, 2000 किताब पढ़ ले। हम आज इसमें ज्योतिषी की सारे गणित विधियों को देखा, वो सबका अर्थित नहीं, जोड़ना ही है, घटाना ही है। काल के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। विस्तार के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। दूरी के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। तोल के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। इसके अलावा दूसरा कुछ कर दोगे, ये कुछ आदमी की बल्कि रोग नहीं है। ये 700 करोड़ आदमी का बल्कि रोग नहीं है, और कुछ कर दें ठीक हो गया। ये इसको अपने को समझने की आवश्यकता है, इसमें निश्चय की आवश्यकता है ना, और वृथा भ्रमित होने का कोई मतलब नहीं। गणित का कोई मानवीकरण का मतलब नहीं बनता है, शिक्षा का मानवीकरण का बनता है। अंतर्गत विषय को पढ़ाएंगे, गणित को सिखाएंगे, ठीक है। गणित का अभ्यास जो है ना, जोड़ घटाना ही है, इतना ही है। कितने छोटा सा बात, इतनी ही बड़ी बात, जोड़ना घटाना। हाँ बोलिए। एक तो ये बात गणित का मतलब गणना है, और उसको अगर देखेंगे तो मूलभूत रूप से जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें जोड़ने घटाने की क्रिया ही कर रहे हैं, कितना है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि गणित वस्तु मूलक है। अभी जो गलती होती है, अभी जो गणित में हम बहुत जगह जाकर उलझ जाते हैं, उसका कारण यह है कि सांख्यिकी वस्तु के साथ जो गणित का जुड़ाव है, गणना का जुड़ाव, उसको जब हम छोड़ देते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो हमको लगता है कि हम जीने में उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये कठिनाई है। तो अगर गणित करते हुए, गणना करते हुए, उससे जो वस्तु की बात की जा रही है, उस वस्तु को साथ साथ हम बनाए रखें, है ना, उस वस्तु के सापेक्ष में हम गणना की बात करें, तो ये कठिनाई दो रस उसका नाम है वस्तु मूलक गणित। वस्तु मूलक गणित की बात, जैसे एक उदाहरण में लेता हूँ, अभी एक इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है, जैसे अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, अतार्किक, अपरिमेय संख्या सर कहते हैं, अपरिमेय, वो ये कहते हैं कि आप ठीक ठीक उसको बता नहीं सकते कितना होगा, ठीक। अब अंडर रूट 2 को जब आप डिफाइन करने जाते हैं तो एक इकाई का वर्ग अगर आप लेंगे तो उसकी कर्ण की जो लंबाई होती है अंडर रूट 2 होती है,
एक वर्ग बनाए जिसके चार भुजा है, चारों भुजा एक एक सेंटीमीटर की है, उसके कर्ण को दो कॉर्नर को मिला देंगे तो वो कॉर्नर की लंबाई अंडर रूट दो, मतलब वर्गमूल दो के बराबर होगा। अब ये जो है अंडर रूट टू को आप संख्या में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उस लंबाई को बताना चाहें तो ठीक ठीक बता सकते हैं, उसको धागे से नाप के बता सकते हैं कि अंडर रूट टू है। ये ठीक है। अब इसमें इरेशनल कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल रैशनल है। पॉइंट के बाद उसमें इनफिनिट तक आता रहता है, इसलिए उसको इरेशनल बोलते हैं। हाँ, उसको आप अपनी बनाई हुई संख्या विधि में लिख सकते हैं, है ना, लेकिन वस्तु के रूप में तो भाई है। हाँ, उसको हम पकड़ा सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। संख्या को लेकर के हम उलझते हैं, मैंने एक से नौ तक की जो संख्या बनी हुई है इसको लेकर के हम उलझ जाते हैं, वही हाँ वस्तु को भूल करके शुरू करते हैं, तो एक से एक दिग्गज है, है ना। ये ऐसा नहीं है जो चारे नहीं होता है, दो दो चार साढ़े तीन भी होता है। अब क्या करोगे तुम, सिर कूटोगे कि पैर पटोगे, पैर पटकोगे, डांस करोगे, क्या करोगे। वस्तु को छोड़ करके चला, माने ये जितने गफलतबाजी है वो सभी गणित बताता है। कितना बताता है, कैसा बताता है, वस्तु को छोड़ने के बारे में। वस्तु के साथ गणित चलता है तो बिल्कुल कुत्ते जैसा लग चलता है वो, जैसा कुत्ता अपने अपने दाना पानी देने वाले के पीछे दौड़ता है ना, वैसे संख्या दौड़ता है। वन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाता है गणित में, पर एक वस्तु में एक वस्तु घटती नहीं। बोलो, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से घटाव शून्य हो जाए, ये हो पाता है। ये कितना शुद्ध झूठ है आप सोच रहे हो, शुद्ध झूठ। इसलिए जो है गणित जो है, गणित से जो भाव जाता है वर्तमान में तो कुछ और ही जाता है वर्तमान में, तो उसी के मानवीकरण की बात कर रहे थे महाराज। हाँ, अब दूसरा ये क्या है, ये कुल मिलाकर के ये देश और काल से संबंधित बात है भाई। यहाँ दो व्यक्ति थे, यहाँ से दोनों व्यक्ति चले गए, दो में से एक व्यक्ति चले गए, उसमें कौन सा ये संख्या कौन सा काटने आएगा आपको, नहीं काटने आएगा। नहीं 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 है, एक ऋण एक आदमी बराबर शून्य आदमी, वो होता नहीं है। आप समझ गए, सफेद झूठ कैसा समाई हुई है ऐसा बनता है। ऐसे बहुत सारे नजीरे आएंगे अपने सम्मुख, इसीलिए वस्तुमूलक विधि से गणित अपने आप से ये जो नौ संख्या हम उच्चारण करते हैं ये पाला हुआ कुत्ते जैसा दौड़ता है। जब वस्तु को छोड़ दिया ना, पागल कुत्ता जैसा काटने दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, वो भी कुत्ते ही है, पागल कुत्ते जैसा काटे दौड़ता है, आदमी को दौड़ाता है। फिर उसमें दो तरह के इम्प्लीकेशन दिखाई पड़ने लगते हैं, एक तो ये कि उसके आधार पर बहुत सारे संख्याओं का जो मैनिपुलेशन होता है उससे पैराडॉक्सेस हो जाता है, अंतर विरोध दिखाई पड़ता है, संख्या के स्तर पे वास्तव में नहीं दिखता, वास्तव वास्तविकता से जोड़ने जाए तो फिर वो ठीक हो जाता है। दूसरा ये है, ये सांख्यिकी अलग मुद्दा दूसरा है, दूसरा मुद्दा यह है कि हम संख्या के आधार पर तृप्त होने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा जो नेशनल पर कैपिटा इनकम और सभी तरह के जो मुद्दे मुद्रा भी आ जाते हैं, हाँ, पूरे सांख्यिकी के आधार पर तय करना और उसके आधार पर कुछ घोषणाएं कर लेना, वास्तविकता को छोड़ दो, वास्तविकता के साथ साथ करें तो जो उपयोगी है। वस्तु ही वास्तविकता को व्यक्त करता है, ये बात हो चुकी है आप हमारे समझ में। संख्या वास्तविकता को बताता नहीं है, वस्तु को गणना करने के लिए संख्या एक दो तीन लगाए हैं, वस्तु को छोड़ने के बाद पागल कुत्ता जैसा काटता है। कैसा काटता है, आदमी को पागल कुत्ता जैसा दौड़ाता है, वैसा संख्या आदमी को दौड़ाता है। फिर ये औसत फिर क्या है, 66.69 या ऐसे ये हुआ 57.12, ये वस्तु नहीं। वस्तु क्या आप बताइए ना भाई, आप ही बताइए। मतलब साढ़े तीन आदमियों ने वोट दी। हाँ लीजिए सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
गणित में होता है लेकिन यथार्थ में जैसा हो होता जैसा हो कहते हैं करे होता है क्या पूछा आपके मति से नहीं होता है खत्म हो गए बात इतने अच्छे हैं गणित लेकिन अगर आपको वास्तविकता की पकड़ है हाँ, ना हाँ, तो ये हमको पता लगता है ना कि अगर 400 आदमी थे तो उसमें 14 आदमी ने वोट दिया होगा हाँ, ये आपको समझ में आ जाता है यही वस्तुमूलक है हाँ, तो वस्तु को छोड़ दो है ना 4.5% वोटिंग हुआ हाँ, है ना हाँ, तो इसमें 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 जो है ना पौने 12 आदमी कौन सा होता है आप ही बताओ बताए ना वस्तु को छोड़ने के बाद वो संख्या पागल कुत्ता जैसा आदमी को दौड़ाता है वही संख्या आदमी को दौड़ाएगा उसके पहले आदमी के पीछे पाला हुआ कुत्ता जैसा संख्याएं आते रहे यही इसका उदाहरण बन सकता है ठीक है ये